इस वित्तीय वर्ष में नामांकन के तहत पूरे प्रदेश में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उसमें जनपद कासगंज को 33,060 नवीन नामांकन के लक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने 4 अप्रैल से लेकर के और निर्धारित समय तक जो हमें लक्ष्य दिए गए थे उसकी पूर्ति हम लोग कर लिए थे। आज वर्तमान समय तक हमारे यहाँ लगभग 33,276 नामांकन, जो कि हमारे टारगेट से ज़्यादा हो चुके हैं, हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अब भी हमारे यहाँ नामांकन हो रहे हैं। हमारा लोगों का ये प्रयास है कि हमारे जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, जितने भी स्कूल हैं, उन बस्तियों में जो भी बच्चे हैं, कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रह जाए, तो हमारा लोगों का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग नामांकित कराएं, जो कहीं चाहे किसी श्रम कार्य में लगे हों, चाहे कहीं भट्ठों पर लगे हों या कहीं दुकानों पर लगे हों, उनको भी ढूंढ ढूंढ के हम लोग उन नज़दीक के स्कूलों में नामांकित करा रहे हैं। और ये हमारा प्रयास है कि वो बच्चे भी बेहतर शिक्षा प्राप्त करें और वो शिक्षित हों। और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है कि एक भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रह जाए, एक भी बच्चा ना छूटे, तो हमारा लोगों का प्रयास यही होगा कि वो सारे टारगेट पूरे हों। और नामांकन के बाद भी हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि जिन बच्चों का नामांकन किया गया है और जो बच्चे पूर्व से भी हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन बच्चों की उपस्थिति और ठहराव भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमारा लोगों का ये प्रयास होगा कि बच्चे स्कूल में रहें और शिक्षा प्राप्त। हम बहुत जल्दी ही आपके लिए, आपके शहर, आपके कस्बे में क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में, क्या वाकई आपके नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन या फिर आपके नगर निगम के मेयर और पार्षदों ने कुछ तस्वीर बदली है या फिर वही ढाक के 3 पात हैं, इन सब पर हम खबरें करने शहर शहर कस्बे कस्बे पहुंचेंगे आपके पास। तो अगर आपके पास आपकी गली मोहल्ले की कुछ तस्वीरें हैं जहां गंदगी का अंबार है या फिर क्या वाकई कुछ विकास कार्य हुए हैं, अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।